तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं नीचे की ओर। चिड़िया भी हो सकती है, थोड़ी सी रास्ता हो रही है। पड़ेगी वहाँ चाइना पीक है, नैनीताल के अभी अपनी ट्रिप शुरू करने से पहले बाइक की सर्विसिंग करा रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो वो सब ओके होने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे ट्रिप पे। तो आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे नैनीताल के बारे में, मतलब कि नैनीताल कैसे पहुंचना है और वहां कहां जाके रहना है, कौन कौन सी जगह नैनीताल में हमें देखनी है, तो इस सब बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे हम लोग कि वहां पहुंचने में कितना खर्चा आता है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो अभी मैं बाइक लेकर निकल चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ अंकित के पास, क्योंकि अंकित ही मेरे साथ जा रहा है। तो अब फटाफट से अंकित के पास पहुँचते हैं, फिर निकलते हैं अपने रास्ते पर। अंकित सामने खड़ा है, वो वेट कर रहा है मेरा, उसने शायद अभी देखा नहीं मुझे। हाँ तो अभी आ गया अंकित, बैठ गया मेरे साथ। हाँ भाई, हाय कर। तो हमने सोचा क्यों ना 5 मिनट रेस्ट कर ले जाए, बाइक को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो बेसिकली हमने जो अपनी बाइक की ट्रिप शुरू की वो काशीपुर से की, काशीपुर से नैनीताल। लगभग नैनीताल पड़ेगा काशीपुर से 110 किलोमीटर करीब पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग बस से नहीं आए, हम लोग बाइक से आए हैं। आप बस से भी आओगे तो आपको काशीपुर से डायरेक्ट बस मिल जाती है नैनीताल के लिए, जो कि आपको 2 घंटे या 2.5 घंटे में नैनीताल पहुँचा देती है। तो हम लोगों ने वहाँ 2:30 बजे करीब हमने वहाँ से राइड शुरू किया और हम लोग करीब 5 या 6 बजे तक नैनीताल पहुंच जाएंगे। तो मैं आपको कुछ यहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ, अच्छी जगह है। यह खुरपा ताल, यह श्री माँ मनसा देवी का मंदिर खुरपा ताल। पांच बजकर 15 मिनट हो गए हैं और सनसेट होने वाला है। अभी हम नैनीताल से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर रह गए हैं, तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं। हमें लगा सनसेट देख लेना चाहिए, तो हम अभी यहाँ पर रुक गए थे। नज़ारा कैसा लग रहा है अंकित भाई? बढ़िया है। तो मेरा फोटो खींचा। मैं तो टैक्सी धाम जाने के लिए आया हूँ गाइस, और थोड़ा बहुत मार दौड़ से। ये है नैनीताल, क्योंकि शाम हो चुकी है तो कुछ इस तरह का ही दिख रहा है। और वो सामने वहाँ चाइना पीक है, तो सुबह में हम लोग वहाँ पे जाएंगे चाइना पीक पर मॉर्निंग टाइम में। कितनी मछलियाँ यहाँ घूम रही हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ सीखने को मिली, जैसे हमने रूम यहाँ पर धर्मशाला में देखा है, तो धर्मशाला में रूम लेने के लिए क्या है आईडीज़ की ज़रूरत पड़ी, तो मेरे पास सॉफ्ट में थी, तो बोल रहे हार्ड कॉपी ही चाहिए, तो मुझे काफ़ी दूर चल के आना पड़ा हार्ड कॉपीज़ निकलवाने के लिए, और अब जाके निकली हैं। तो अब जा रहा हूँ वापस अंकित के पास। तो ये कमरा है, हंसो मत यार, मतलब धर्मशाला का कमरा है, एकदम बढ़िया है भाई। 2 बेड मिले हैं 130 रुपये में, और क्या चाहिए बताओ, नैनीताल जैसी जगह में, वो भी इतनी ठंड में, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फिर हम लोग खाना खाने के लिए निकलते हैं। इधर कहाँ जा रहा है? तो ये है सिद्धि भोजनालय,
जो कि धर्मशाला के बिल्कुल नज़दीक है, और यहाँ पर 100 रुपये में एक थाली मिल जाता है भोजन, सस्ता भोजन, ज़्यादा महंगा नहीं है। मतलब आप अगर बजट ट्रैवल कर रहे हैं और आप चाहते हैं आपका खाना पीना रहना सब कुछ सस्ते में हो जाए, तो आप यहाँ पर खाना खा सकते हैं, और धर्मशाला में आकर के आप ठहर सकते हैं। यहाँ पर कि जो रेंट है रहने का वो सिर्फ 130 रुपये एक रूम के हैं। तो अभी हमने खाना खा लिया, और खाना खाने के बाद फिर हम लोग थोड़ा टहलते हैं, और टहलने के बाद पहुँचते रूम में। अभी तो दुबकता का एक ये बता पहले, ये पता नहीं क्यों दुबकता भागता मुझसे। अरे ये बंद है, बंद है, बंद नहीं है, चल रहा है, बंद नहीं है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रूम की तरफ, टहलते टहलते पहुँच जाएंगे। कुछ इस तरह की धर्मशाला है यहाँ पर, ये धर्मशाला है यहाँ। अंकित भाई सब ठीक? तो गाइज अभी हम लोग खाना खाने के बाद अभी रूम पर आ चुके हैं, और अब सोने का टाइम तो खैर अभी नहीं हुआ है क्योंकि अभी सिर्फ 8 बजे हैं। तो अभी हम जल्दी सो जाते हैं, फिर हमें मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठना है क्योंकि कल सुबह हमें जाना है नैना पीक। तो गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं चाइना पीक पर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो अभी हम लोग हैं नैनीताल में, और अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। तो हम लोग इतनी सुबह जल्दी इसलिए उठ गए क्योंकि हमें चाइना पीक से सनराइज देखना है। तो चलिए फिर मिलते हैं चाइना पीक की ट्रैकिंग पर। यहाँ से लेक व्यू कुछ ऐसा है, तो सनराइज होने ही वाला है अब। जय हो भोलेनाथ। अभी हम लोग आ चुके हैं नैना पीक की, जहाँ से ट्रैकिंग शुरू करते हैं, वहाँ स्पॉट पर आ चुके हैं। आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर सब लिखा हुआ है, नैना देवी हिमालय वर्ल्ड कंजर्वेशन, इसकी जो हाइट वगैरह है वगैरह सब लिखा हुआ है। हम ट्रैकिंग शुरू करते हैं, ये रास्ता है जहाँ से हम नैना पीक के लिए जाएंगे। आओ भी अंकित चलना शुरू करते हैं। सनराइज होने ही वाला है। तो सामने है नैनीताल, सनराइज आधे रास्ते में ही हो चुका है, और हम लोग आधे रास्ते पे आ चुके हैं। तो अब फिर से हम लोग शुरू करते हैं ऊपर चढ़ना, क्योंकि यहाँ से अभी 1 किलोमीटर और रह गया है चाइना पीक। फिलहाल जो है हेलमेट हमने इसलिए ला रखा है क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है, और हेलमेट से भी थोड़ी ठंड बच रही है। जय भोलेनाथ। रास्ता जैसा कि आप देख सकते हैं, काफी सनलाइट काफी तेज आ रही है यहाँ पर। ये यहाँ पर एक टी पॉइंट है, यहाँ पर की चाय मैगी नाश्ता कुछ भी आप कर सकते हैं। तो अभी बच रहे हैं 7, और हम लोग लगभग आ चुके हैं चाइना पीक के पास। तो अभी बस थोड़ी सी रास्ता और रह गई है। हिमालयाज रेंज भाई, एडवेंचर्स है कुछ सही। अरे भाई साहब क्या नजारा है। चीना पीक पुराना नाम है, और नैना पीक इसका नया नाम है इस जगह का। इसकी जो हाइट है लगभग 2622 मीटर की हाइट है, मतलब काफ़ी हाइट है यार। और इसकी ट्रैकिंग करते हुए हम लोग आ गए, हमें करीब 1 घंटा 45 मिनट लग चुके हैं अभी तो, और अभी थोड़ा सा दूर और रह गया है अभी चीना पीक, या नैना पीक बोल लो। बाकी यहाँ से जो हिमालयाज के नज़ारे हैं ना, वो एकदम सुपर्ब है। अभी आपको दिखाते हैं और पास से थोड़ा। This is China Peak, नैनीताल का नज़ारा। यहाँ सनराइज तो हो गया, तो यहाँ हम आए थे क्योंकि यहाँ से नैनीताल है वो एकदम पानी की जो ड्रॉप होती है उसकी शेप में दिखाई देता है। तो आ चुके हैं हम लोग चाइना पीक, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से जो सामने हिमालयाज हैं वो उधर वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, उधर साइड है हिमालयाज के पहाड़ हैं, और वो सारे ढके हुए हैं भी बर्फ़ से। और बाकी ये जो नज़ारा है
एकदम शानदार है। तो इधर हमारा ये है नैनीताल की एक पहाड़ी, यहाँ फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे। और भाई एक्सपोजर कंट्रोल करने में काफ़ी इफर्ट्स कर रहा है भाई कैमरा। तो ये जो है एक तरह से नैनीताल का लेक व्यू है। नैनीताल को दो तरीके से देखना चाहिए, एक करीब से और एक यहाँ से टॉप से। वाओ यार, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये नैनीताल का जो व्यू है ये एकदम इस तरह से लग रहा है जैसे कि एक पानी की ड्रॉप होती है ना, तो बिल्कुल उसकी तरह लग रहा है। शानदार नज़ारा है। और वो सामने हिमालयस की रेंज है पूरी, इधर गढ़वाल रीजन है, इधर कुमाऊं रीजन है, और इधर साइड थोड़ा नेपाल के बॉर्डर आ जाता है, इधर साइड नेपाल का बॉर्डर आ जाता है। और यहाँ पर मैं आपको अभी एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, ये जो पेड़ हैं ये देवदार के पेड़ हैं, इनकी हाइट आप देख सकते हैं, ये इससे ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ेंगे क्योंकि अभी हम यहाँ पर करीब 2622 मीटर की हाइट पर हैं, तो देवदार यहाँ से ऊपर नहीं बढ़ पाएगा। देवदार के ये पेड़ हैं, इनकी खुशबू काफ़ी अच्छी होती है, यहाँ पर तो ऐसी हाइट के हैं, लेकिन अगर हम इससे नीचे की हाइट पर ज़रा भी देखेंगे तो वहाँ पर हमें थोड़े लंबे पेड़ देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप ये नीचे देख सकते हो। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं क्या शानदार नज़ारा है, और यहाँ पर एकदम आप प्रकृति का सौंदर्य देख सकते हैं। अभी बज चुके हैं 9, तो हमें यहाँ पर लगभग 2 घंटे हो गए चाइना पीक पर। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं नीचे की ओर, क्योंकि 2 घंटे हो गए, हमारी बाइक भी नीचे ही पार्किंग में खड़ी हुई है, पार्किंग नहीं है बेसिकली, वहाँ पर ऐसे ही बाइक खड़ी कर देते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे की ओर, यहाँ पर कितना कूड़ा कर रखा है, कैन चला रखी है। आ जा, आसमान नीला नीला, काफ़ी सुंदर जगह है भाई ये। वो सामने हिमालय की चोटियाँ हैं, हाँ वो अंकित ने बनाई थी, वो भूल गया बना करके। हाँ रुकेंगे तो नहीं फिर। कुछ है इधर, किधर, जल्दी चल, जल्दी चला, चिड़िया भी हो सकती है। तो ये है कुछ ट्रैकिंग का रास्ता, जंगली रास्ता एकदम। यहाँ आते आते थोड़ी सी थकान भी बहुत ज्यादा हो जाती है, बर्फ से ढके हुए पहाड़ कितने शानदार लगते हैं, कितनी शानदार लग रहे हैं यहाँ से, पूरी उधर हिमालय की रेंज है पूरी, क्यों अच्छा है यहाँ से ना। यहाँ पर ये लोग मैगी चाय वगैरह नाश्ता करने के लिए यहाँ पर व्यवस्था है। और अभी हम लोगों ने अभी 2 मैगी 2 चाय का ऑर्डर कर दिया है, बस वेट कर रहे हैं, 10 मिनट में ये लोग हमें मैगी और चाय दे देंगे। खाने के बाद फिर हम लोग निकलते हैं यहाँ से नीचे की ओर, क्योंकि अभी जितने ट्रैक हम चढ़ के आए हैं उतना ही हमें अभी नीचे उतरना भी है, तो समथिंग हमें उतरने में भी 1 घंटा शायद लग जाए, आधा घंटा भाई, हाँ आधे घंटे में शायद उतर जाएंगे हम लोग। तो मैगी खाने के बाद निकलते हैं फिर नीचे। तो भाई रेडी है गर्मा गर्म मैगी पहाड़ वाली, मैगी खाता हुआ मेरा दोस्त अंकित नेगी, नाम ही अंकित नेगी लग दिया वहाँ। टुकड़ा टुकड़ा मैगी का नहीं लग रही भाई। हिमालय के सामने बैठकर मैगी खाने का और चाय पीने का अलग ही मजा है, क्यों?
भाई 10 बजने वाले हैं यहीं। चल किसी भी चीज़ की वैल्यू उसके अभाव में पता चलती है, कोई भी चीज़ सही जाए। सही बात है। तो अभी हमने नीचे उतरना शुरू कर दिया है। अबे धीरे चल धीरे। हाँ ये है कि हम जैसे चढ़ते हैं तो उतरने की स्पीड 3 गुना हो जाती है। इसी को कहते हैं कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। काफ़ी देर से चल रहे हैं हम लोग नीचे की ओर, मैं तो काफ़ी थक चुका हूँ, इसका पता नहीं। यहाँ पर अब दिखे हैं लोग करीब 3 घंटे बाद, तब से यहाँ कोई भी नहीं था। नहीं ज्यादा लगेगा, यहाँ पर पेड़ भी टूटा हुआ है। अरे तो जल्दी क्यों भाग रहा है, फालतू में चल तो रहे ही हैं, रुके हुए थोड़ी हैं हम लोग। तेज तेज भागते हैं, वीडियो में से एक आता है फिर लोगों को पसंद नहीं आती, फिर वीडियो इतनी मेहनत से बनाओ। ये रास्ता देखना चाहिए ना, ट्रैकिंग कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर आके। वो खड़ी है बाइक यहाँ नीचे, तो नैना पीक की ट्रैकिंग जो है कम्प्लीट हो गई। तो ये खड़ी अपनी बाइक, निकालते हैं, निकलते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं कैची धाम और बाइक हमने वहाँ पार्किंग में लगा दी है। तो अभी बस बाइक की स्लिप कटवाने के बाद हम लोग जा रहे हैं मंदिर की ओर। नैनीताल के मजे। अरे एक बार किनारे से गुले रहा भगा भाई, सारे किनारे किनारे घुमा के लाएंगे। ठीक है सीधा इधर चलो, चलो चलो आ रहा बंदी के चक्कर में यार। कोई बात नहीं यार, देखने हो तुम्हें। हाँ तो नहीं चलाओ और यहाँ आकर बोर्ड चलाओ। तो सोच रहा है एकदम से मुड़ जाएगी, एकदम से ना मुड़ेगी। नैनीताल की वादियाँ और ये समय हम बिल्कुल सेंटर में हैं। तो मॉर्निंग में जो हम गए थे
वो सामने वाली जो चोटी दिख रही है सबसे ऊंची, उसी को बोलते हैं चाइना पीक, नैना पीक। तो हम लोग वहाँ गए थे, काफ़ी शानदार जगह है। अगर वहाँ से थोड़ा बहुत टूट गया तो पानी तो नीचे चला जाएगा है। तो ये है मॉल रोड, ये पूरा यहाँ से और ये पूरा इधर तक पूरा ये मॉल रोड है। यहाँ पर एक सामने एक चर्च भी है, अभी हम लोग वहाँ जा करके देखेंगे कि चर्च कैसी होती है, क्योंकि चर्च हमने कभी देखी नहीं है। हाँ यार ये मस्जिद है, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है। तो अभी जा रहे हैं मंदिर देखने। टेम्पल घूम लिए और अब हम लोग वापस जा रहे हैं। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा रहने वाला है। तो अब हमारी नैनीताल की जो ट्रिप थी वो कंप्लीट हो गई है। 3 बज रहे हैं, अब हम लोग वापस जा रहे हैं काशीपुर की ओर। शाम हो गई, चले। तो रास्ते में रुके हैं, थोड़ी भूख लग रही है तो चाय पराठे खा के निकलते हैं यहाँ से काशीपुर के। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, पानी लेना। गैस का है किसका है? गैस वाला है? नहीं नहीं सही, यहाँ पे गैस वाला है। अच्छा लगा, प्याज वाला अच्छा होता है।